બોલો જોર જોર છે આધારે તોલી આદે વાયો કરપુરા તંબો ને લલિતા દિસાતી જાત સાથી પ્રીતા આચાયા કરીવા સેવા આજે કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દાસ સેવા ભિલાસ કરે નરોતમ દાસ રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ જુગલ Thank you.
नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने करो कर्म सनाशाय जन्मवाकते नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रणमामि चल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राव्यं जगन्नाथाय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवसुत कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्यभक्ति नमामि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई कवि चरण जय चरित्रमानस इष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परमाराध्य गुरुपाद पद्म नारायण गोस्वामी महाराज के अशोक अभय चरण कमल अनंत ज्ञापन करके कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात कृपाण गुरुवर का आचार्य सबके चरण को पुनः करता हूँ। श्री राधा गोविंद देव की झूलन यात्रा महोत्सव के अवसर हम लोग यहाँ पे उपस्थित सुनो पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी महाराज जी पूज्यपाद भक्ति वेदांत उद्धार महाराज जी अन्य वैष्णव वृंद सबके चरण वंदना करता हूँ। महाराज जी के आदेश को धार्य करके श्री राधा गोविंद की झूलन यात्रा महोत्सव पर एक दो शब्दों बोलने के लिए प्रयास करता हूँ। कृष्ण की जो लीला है परम मधुरमय लीला, उनकी जन्म लीला, उनकी वैमंडल बाल्य लीला, बहुत सारे लीला है मधुर, सारे लीला मधुर है। परंतु सर्वोत्तम रास लीला, ये रासलीला की अंतर्गत जो हिंदू यात्रा राधा गोविंद जी की जो झूलन यात्रा इस श्रावण महीना की एकादशी तिथि से शुरू होके बलदेव पूर्णिमा तक हर साल चलता रहता है। भगवान और भगवान परिकर अभिन्न तत्व है परंतु एक नहीं, भगवत परिकर सर्वदा भगवान की लीला प्रकाश करते हैं। जैसे हमारा श्री गुरुपाद पद्म झूलन यात्रा महामहोत्सव
विशेष करके श्री रूप गोस्वामी तिथि को अर्थय करके श्री श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ वृंदावन में सारा विश्व के भक्त को आकर्षित करते थे। अभी भी उत्तर धाम से रह के अनुगत भक्त लोग के माध्यम से करवा रहे हैं। ये झूलन जत्रा महामहोत्सव को इतना उत्साह के साथ केशव जी गौड़ीय मठ मथुरा में फिर रूप सनातन गौड़ीय मठ और श्री गोपीनाथ भवन में श्री गिरधारी गौड़ीय मठ में और अलग अलग जितने मठों जितने ब्रांच है सब मठों में उत्साह के साथ करवाते थे। और याद है जब मैं पहले बार मठ में आया तब उस समय में गुरु पूर्णिमा में हमारा दीक्षा हुआ, उसके बाद झूलन यात्रा आम उत्सव, मैं तो देख के हैरान हो जाता था क्या उत्सव है, क्या हरी कथा और इतना विद्वत सभा। उसमें समय में कुछ जानता नहीं था, अभी भी कुछ जानता नहीं, परंतु लगता था जैसे हम एक अलग प्लैनेट में बैठे, अलग एक गुरुपाद पद्मकी जो तेज है उनकी जो भावना, शुद्ध वैष्णव की जो भावना है, उनकी जो सेवा की पराकाष्ठा, उसमें उनके आसपास जितने भी उनकी अनुगत वो भी वही भाव को आने के लिए श्री गुरुदेव सर्वदा बोलते थे कि भाव को आने के लिए लोभ बढ़ाना चाहिए, जितना लोभ होगा ममता साथ तो भाव को पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये इंदुर लीला जो राधा कृष्ण की झूलन लीला श्रावण महीना के अंत में रिमझिम बारिश वृंदावन की शोभा, हर जगह में हरियाली, सुगंध फूल पुष्प में वातावरण, राधा कृष्ण की लीला के लिए रुद्दीपक मयूर की नृत्य और जितने पक्षियां उसकी कलर ऑफ यमुना में पद्म पुष्प की विकसित, उसी समय में श्री राधा गोविंद की लीला प्रकट हुआ है। वही चीज को जो रस उन्नत उज्जवल रस श्री भगवान ने ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अपनी परिकर के परिकर को दिए, परंतु जगत जीव को नहीं मिलता था, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। जैसे हमारा गुरुपाद पद्म गुरुवर्ग विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की अनुगत रूप गोस्वामी की उपानुगत गुरुवर्ग और विष्णु लोग को लीला को प्रकाश करके सरल भाषा में समझाते थे और वही लीला में कभी भी प्रवेश हो ये आशा को
हर किसी साधक में, साधक हृदय में प्रकाशित हो सर्वदा। वो चेष्टाशील थे और वही लीला जो रास लीला के अंतर्गत इंदौर लीला, राधा कृष्ण की धुलन लीला, वो लीला उच्ची लीला है। कुछ अभी हम लोग महाराज जी से बुखार से श्रवण करेंगे, कैसे कैसे झूलन यात्रा समय किसी पेड़ के पेड़ में झूला पड़ता था और राधा कृष्ण की झूलन यात्रा में सखी सखिया फूल माला दी के और बहुत सारे पन्न पुष्प और उनकी अंगरा करते थे, झूलों में बिठाते थे। श्री गुरुपाद पद्म बोलते थे कि कृष्ण आगे झूलों में बैठ के राधा जी को बुलाते, राधे झूलों पधारो को आयो बता, समय हो गया झूलों में आगे किसी मधुर लीला को हम फिर गुरु विष्णु करेंगे। ना बोलते कृष्णाय कृष्णमूर्ताय जगद्भक्ताय नमः। वंशाकुलपतये कृपासिन्धुपतितानां पावन श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनकी अहिल्य की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री गुरु महाराज के नाम आज एक पवित्र तिथि है, गौड़ीय वैष्णव के बड़े अद्भुत तिथि है झूलन लीला। राधा कृष्ण की आज आज के दिन से जो 5 दिन के उत्सव, यद्यपि हमारे गुरुपाद पद्म की कार्तिक ब्रजमंडल परिक्रमा और नवदी परिक्रमा पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम धाम की परिक्रमा होती थी, सब भक्तों को लेकर के गुरुदेव बहुत सारे उत्सव करते थे, लेकिन आज जो तिथि है ये जो 5 दिन के महोत्सव वृंदावन में होता था उसमें गुरुदेव की विशेष उल्लास दिखाई देता था। स्वतंत्र रूप से वृंदावन में रूप सनातन के नाम पर ही गौड़ीय मठ बना है, नाम दिए रूप सनातन गौड़ीय मठ और उसी तिथि पर ही प्रतिष्ठा की है। और इसलिए वो 5 दिन रूप सनातन गौड़ीय मठ की प्रतिष्ठा महोत्सव और रूप गोस्वामी पाद की तिरोभाव महोत्सव और उनके साथ साथ राधा कृष्ण की झूलन लीला और वृंदावन से वृंदावन में सबसे अच्छा झूलन हमारे पूज्यपाद महाराज जी के थे, वहां पर बड़ी सुंदर की कुंज सजावट हुआ था, सारा वृंदावन आते। तो ये जो तिथि में ये यद्यपि कार्तिक महीना में भगवान कृष्ण ने बड़ी मधुर मधुर लीला किए, दाम बंधन लीला और
कालीय दमन लीला, शारदीय रास आदि अनेक लीला कार्तिक महीना में, लेकिन ये जो श्रावण महीना में कृष्ण की मधुर लीला संगठित तो होती है, ये लीला में कृष्ण की सारी वांछा पूर्ति होती है। माधुर्य रस की सखियों के साथ, कृष्ण के साथ, राधारानी के साथ कृष्ण का मिलन इस लीला में होती है। राधारानी ये श्रावण महीना में देर हो जाती है, सब अपना अपना घर में रक्षा बंधन के कारण सब बेटियां जाती है, लेकिन राधारानी को लेने के लिए सीधा आने में देर हो जाती है। राधारानी घर के बाहर, घर बाहर, घर बाहर होती है, लेकिन जब सीधा देर में आते हैं तो जाते हैं, और संकेत के अनुसार जगह जगह कुंज और हिंदोल लगता है, झूलन झूला लगती है। लेकिन उसमें राधारानी की तो मान होती है, हर समय राधारानी मान करने से, चाहे अहित की दुर्जय मान हो या हेतुक मान हो, कृष्ण उनमें मना है। लेकिन ये झूलन लीला गोपियों का भी मनोभीष्ट पूरक है, तो गोपियां राधारानी के मान भंजन करती है, प्रेरित करते हैं, विशाखा सखी चाहे मान करने के लिए प्रेरित करते हैं, बसंत रास में हो या शरद रास में, अनेक अनेक लीला में। लेकिन ये झूलन लीला में विशेष करके सखियां राधारानी को प्रेरित करते, मान भंजन करते, राधे झूलन पधार झुको आए बदरा, रिमझिम बारिश आ गई और अभी कृष्ण प्रस्तुत है आपके साथ झूला झूलने के लिए, लेकिन आप अभी मान मत करो, मान छोड़ दो। तो इसलिए राधारानी झूला में बैठती है और सखियां राधा कृष्ण दोनों को बैठा करके जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन करके वो राधा झूला झूला को झूलाते हैं। बड़े विभिन्न प्रकार की झूला भी होती है ब्रज में, ब्रज की बड़ी आनंद महोत्सव के दिन है और इसमें अनेक महाराज जी उसके बारे में अच्छी तरह वर्णन करेंगे। इसमें कवि कर्णपुर जी ने, हमारे गोस्वामी वर्ग ने बड़ी सुंदर सुंदर वर्णना भी किए, रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन किए, कहते जैसा औरा नवमी में और वृंदावन में ब्रज में राधारानी के पाद दर्शन होते हैं, दूसरे दिन कौन से हाँ। लेकिन ये जो इसी लीला में विशेष करके दो प्रकार की झूला होती है, तो लेकिन इसमें एक झूला होती है जिसमें राधा कृष्ण एक तो होती है, एक में राधा कृष्ण बैठते हैं लेकिन राधा कृष्ण राधारानी को झुलाते हैं। सखियां तो एक में दोनों बैठते हैं तो सखियां झुलाते हैं, और एक हिलोड़ झूला झूला ऐसे होती है जिसमें राधा और कृष्ण दोनों बैठते हैं, और एक में होते राधारानी बैठते हैं और कृष्ण झुलाते हैं, एक कृष्ण झुलाते हैं और एक होते राधारानी को बैठा करके कृष्ण भी बैठ करके उनको झुलाते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसा खड़े होकर झूला झुलाते हैं राधारानी डर जाते हैं। जिस प्रकार नौका विहार लीला में राधारानी भयभीत हो करके कृष्ण को कृष्ण की गोद में आश्रय लेते हैं, कृष्ण को आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार झूला लीला में झूला जब बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आते हैं, तो राधारानी इसमें भयभीत हो जाती है और भयभीत होकर के कृष्ण को आश्रय लेते हैं। कृष्ण की बहुत सारी कामनाएं इच्छाएं उसी दिन पूर्ण हो जाती है। और एक एक कृष्ण की देही पद पल्लव मुदारम स्मरागरण खंडनम मम शिरसि मंडनम, देही पद पल्लव मुदारम, राधारानी की चरण सेवा चाहे सेवा कुंज में करते हैं, लेकिन कृष्ण उसी दिन ये झूलन के दिन पर भी राधारानी की एक झूला होती है जिसमें कृष्ण के तरफ बैठते हैं और एक तरफ राधारानी बैठते हैं, तो यहाँ पर सखियां और वहां पर सखियां भी झुलाते कृष्ण और राधारानी को, लेकिन वहां जब राधारानी आते और जाने के समय राधारानी की जो चरण की दर्शन कृष्ण स्वयं करते हैं, कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं। तो शारदीय रास में, बसंत रास में जितने जो कुछ लीला होती है, लेकिन कृष्ण का भी और कुछ कुछ इच्छा अभिलाषा रह जाती है, लेकिन वो पूरी होती है इसी झूलन लीला में। राधा कृष्ण की बड़े विशेष मनोरम लीला, मनोहर लीला है झूलन लीला, इंदौर लीला। कितने प्रकार
प्रकार की ब्रज में होती है, क्या क्या होती है। अभी हम लोग महाराज जी की तो बड़ी प्रिय है, चाहे प्रचार सेवा में महाराज जी रहते हैं, पूरा वर्ल्ड में प्रचार में जाते हैं हर साल, लेकिन ये लीला अक्षय तृतीया और विशेष करके ये जो कार्तिक में तो रहते ही है, लेकिन ये लीला में ये जो समय महाराज जी वृंदावन में हर समय रहते थे। लेकिन आज ऐसा की तिथि हमारे ये कोरोना के कारण आज इधर भी झूला हुआ है और वो इधर तो झूला होता था, महाराज जी है, महाराज जी की बड़ी स्मरण आता था, इतने प्रकार की सारी वैष्णव लोग बुलाते थे, सबको संवर्धना अभिनंदन करते थे, बड़ी बड़ी उत्सव होता था, गुरुदेव बैठते थे, सारी आयोजन भी करते थे। लेकिन इस बार तो सुखा रुखा हो गया, चलो इस बार, लेकिन महाराज जी के मुख से हम लोग कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण वंशा कृपा राधा रानी का जो दुर्जय मान है, ये दुर्जय मान को
है, कहते कौन इसको तोड़ सकता है, बोले का, बोले का मतलब होता है श्रीमती, हाँ, कहते श्री कृष्ण तोड़ सकते, कहीं बोलते हैं के मतलब कृष्ण है, अरे का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी, बोले कृष्ण रूपी जो मतवाला हाथी को कौन कंट्रोल कर सकता है, बोले का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी। जितने ब्रज में कोयल पपिया सबके सब वो के का नहीं करते हैं, राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर गुण महिमा को ये गान कहते हैं। कहते श्री राधा रानी का जो शादी है, कहते ये कृष्ण का साथ में नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं तो जो पर किया जो रस है ये रस नष्ट हो जाता, क्योंकि बोलो के वृंदावन में तो वो नित्य प्रिया प्रियतम रूप में है ही है, इसलिए बोले जय जय ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावी जहा प्रजित प्रचार। कहते उनको मिलन रस को पुष्ट करने के लिए ही कहते एक तथा विप्रलंभे न संभोग पुष्णिम स्मृते, जब तक उनका विरह नहीं हो विप्रलंभ नहीं हो तब तक ये जो मधुर लीला है जो विप्रलंभ रस जो मिलन रस पुष्ट नहीं होता है, इसलिए ने कहते जोग माया उनको जान बुझ करके कहाँ शादी करवा दिया, उनको जावट में शादी उनको करवा दिया, इसलिए राधा कृष्ण का तो शादी का तय हो गया था, नंद बाबा और वृषभानंद महाराज में बातचीत हो गई थी तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे के साथ में शादी होगी, इतने में जोग माया ने देखा ये तो गड़बड़ी हो रहा है, अगर इनकी शादी हो जाएगा तो वो जो उनका जो मिलन रस है तो नष्ट हो जाएगा है, ये विरह रस खत्म हो जाएगी, इसलिए जोग माया ने किया कि उनका शादी को उन्होंने तोड़वा दिया। तोड़वा करके फिर ब्रज में नियम है जब कोई शादी का कोई शुभ कर्म होता है वहां पर श्री पूर्णमासी जोग माया को पूछते थे है, जोग माया पूर्णमाया को पूछते थे, इतने में पूर्णमासी देवी ने कहा देखो वृषभानंद महाराज आप कृष्ण के साथ में आपका बेटी को शादी मत कराओ, बोले क्यों, बोले तुम्हारी जो बेटी है मांगली है, अगर कृष्ण के साथ में शादी होगा तो जिंदगी भर ये लड़ते रहेगी, कहाँ शादी कराए, बोले जावट में एक है आयना घोष अभिमन नाम का एक लड़का है वो भी बड़े गुणवान है, आपका बेटी को वहीं पर शादी कराओ आपका बेटी सही रहे। इतने में राधा रानी सुन करके जब ये बात को सुने रात को जो मिलन हुई पूछा श्याम सुंदर में क्या सुन रहे हो, बोले देखो राधे हम तो बोलो के वृंदावन में नित्य विहार करते हैं, अगर यहाँ पर शादी हमारी हो जाएगी ना हमारा जो मिलन का जी उत्कंठा ही खत्म हो जाएगी, देखो ये जो अभी मैंने आयना घोष और कोई नहीं मैं ही एक रूप में वो रूप धारण करूंगा मेरा एक प्रकाश है, और जब शादी होगा ना मैं उनको गोद में बैठा रहूंगा, और जिस समय बोलेंगे बाढ़ बाढ़ मतलब हम स्वीकार करते हैं उस समय मैं गोद में बैठ करके सब तुम्हें बोलते रहूंगा, और तुम जो गला माला गला में डालोगी ना मैं सर को आगे कर दूंगा वो माला को तुम मेरे गले में डाल देना, लेकिन ये बात को हंसी दिलेगी मैं ये बात को कोई नहीं समझेगा इसलिए कोई चिंता मत कर, और ये शादी को बाद में ये नपुंसक बन जाएगा, और ये नपुंसक बनने पर फिर क्या होगा, फिर तो दिन भर गोशाला में रहेगा और हमारे अंदर में मिलन होगी, इसलिए श्री वृषभानंद महाराज जावट में राधा रानी के लिए दिव्य उन्होंने महल बनाए, और ऐसे उन्होंने पपिया ऐसे राजहंस ऐसे बैल इतने सुंदर उन्होंने बनाए, आकाश में अगर कोई हंस उड़ते हुए चले जाए ना उनको लगता था जैसे सचमुच यहाँ पर कोई हंस है, इतना काल कार जो आकर चुमता था, बोले इतने सुंदर वहां पर उन्होंने बनाए। उसको अभी राधा रानी कहाँ रहती है, राधा रानी अभी जावट में रहती है, राधा रानी का भाई का नाम श्रीधाम भैया, और श्रीधाम भैया क्या करते हैं इसी महीना आने पर हर लड़कियां वो अपना पिहर आती है पिताजी का घर में आते, अभी राधा रानी बैठी हुई मेरी भैया श्रीधाम भैया आएगा और मेरे को ले जाएगा, क्योंकि ले जाने पर मैं क्या करूंगी मैं झूला में झूलूंगी, कहां पर कहते बरसाना में मैं झूला में झूलूंगी, क्योंकि अपना ससुर घर में लड़कियां कभी झूला नहीं झूल सकती वह मर्यादा है, लेकिन जब पिताजी का घर में आते हैं फिर तो वो झूला झूल सकते हैं पिताजी का घर में, इसलिए राधा रानी बड़ी इंतजार कर रही है मेरे भैया आएंगे और भैया आकर श्रीधाम भैया आने में देर कर दिया,
जब देर कर दी, राधा रानी बैठ बैठ कर रो रही है, भैया अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, कब आएंगे, श्रावण महीना तो बीतते हुए जा रही है, क्या मैं झूला नहीं झूल पाएंगे कृष्ण के साथ में। बड़ी दुखी। जब सीताराम भैया बड़े देर में आए, इतने में राधा रानी बोले, भैया इतना देर तुमने क्यों कर दी। बोले वही कोई विशेष काम पड़ गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया, माफ कर लेना। पर राधा रानी को जाबड़ से लेकर के जाती है कहाँ पर, बरसन आती है। बरसन आने पर जो गहुर बन है, वहां पर जो गहुर बन है परिक्रमा की, गहुर मतलब क्या है, बोले गंभीर। जहां पर श्याम सुंदर भी जहां पर कभी आयना रूप बदला करके आते थे, इसलिए उसी गह्वर वन में कभी झूला, राधा कृष्ण दोनों गह्वर वन में कभी झूला। इसलिए जब परिक्रमा करोगे देखोगे वहां पर झूला है, झूला की मंच बना हुआ है, राधा कृष्ण जहां पर झूलते थे। इसलिए ब्रज में बहुत सारे जगह पर झूला की स्मृति है। जैसे जब परिक्रमा करते करते जब संकेत वन में जाओगे, देखना बहुत बड़े झूला हुआ है, वहां पर राधा कृष्ण झूलते थे। परिक्रमा करते करते जब हम ललिता कुंड में जाएंगे, देखना वहां पर भी झूला है, वहां पर भी झूला झूलते थे। इसलिए ब्रज में राधा कृष्ण बहुत बहुत जगह पर उन लोगों ने झूला झूले। हाँ, विशेष करके जो राधा कुंड में हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत, श्री गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी, आनंद वृंदावन चंपू में श्री कवि कर्णपुर, ये सब लीलाओं को अलग अलग जगह पर वर्णना किया है। मतलब जिस समय ये राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हुआ, प्रकट होने पर इतने में श्री जोग माया श्री वृंदा देवी को आदेश देती है, बोले वृंदे अब ये राधा कुंड श्याम कुंड को इतना सुंदर बनाओ जैसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ लीला स्थली श्री राधा कुंड श्याम कुंड हो। अभी वृंदा देवी के आदेश पर आकर के जोग माया क्या करती है, जोग माया का क्या काम है, जोग माया का यह काम है कृष्ण का जो समस्त लीला, कृष्ण राधा कृष्ण का जितना लीला है वो सारे लीला को ये जोग माया पुष्टि करती है। लेकिन विशेष करके राधा कृष्ण का जो माधुर्य लीला है, उनका जो श्रृंगार लीला है, कभी ये लीला को कौन मदद करने वाले, पुष्टि करने वाले, जैसे वृंदा देवी है, यही वृंदा देवी। और उन्होंने आदेश दिया इतना सुंदर कि राधा कुंड श्याम कुंड बनाओ, सबसे अद्भुत हो, उन्होंने बड़ा सुंदर, इसलिए कहते ना चिंता मन में राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रवाल विद्रुप मय तरुण लता ताहे कुंज भुक्ता फले अभिनत। इसलिए उन्होंने वहां पर बनाया है बड़ा सुंदर, इतने सुंदर राजहंस जिस पानी में राधा कुंड श्याम कुंड में क्रीड़ा करते हैं, चार तरह का कमल फूल खिला हुआ है, नील कमल, श्वेत कमल, रक्त कमल और सफेद कमल, चार तरह का कमल फूल खिला हुआ, और चार तरफ में उन्होंने कुंज बनाए, अद्भुत कुंज वर्णना करते हैं, ऐसे कुंज बनाए जिस कुंज एकदम नील वर्ण का, कोई कुंज लाल वर्ण का, कोई पीला वर्ण का, और कैसे कुंज है, जब राधा कृष्ण कुंज में प्रवेश करते हैं कुंज का रंग और उनका शरीर का रंग वो एक ही हो जाता है। अगर कोई पास में खड़े होकर के देखने चाहे ना, वो देख नहीं सकते। फिर राधा कुंड श्याम कुंड पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन्हें चार ही दिशा में उन्होंने झूला बनाया। कहते पूर्व दिशा में जो झूला बनाया वो कौन सा, कहते आम वृक्ष है, आम वृक्ष में झूला बनाया। कहते पश्चिमी दिशा में जो झूला, बोले कदम वृक्ष का झूला। कहते उत्तर दिशा का जो झूला, कहते चंपक वृक्ष, जो चंपक पुष्प होता है, चंपक पुष्प की झूला बनाए। और जो और क्या रह गया, रह गया दक्षिण दिशा में मौलश्री है, मौलश्री वृक्ष का झूला। उन्हें चार दिशा में उन्होंने सुंदर सुंदर झूला बनाए। और राधा कृष्ण जब वो झूला में बैठते हैं, झूला में बैठते हुए जैसे जैसे झूलते हैं, झूलने पर इनका जो प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है, कहते हैं पानी में पड़ता है। राधा कृष्ण तो ऊपर झूलते हैं लेकिन उनका प्रतिबिंब पड़ता है ये पानी के ऊपर में, प्रतिबिंब पड़ता है। कहते विशेष करके ये राधा कुंड में उनका जो विशेष जो पांच जो लीला है, विशेष लीला है और मध्यान्ह की लीला है, और मध्यान्ह की जो लीला है सबसे लंबा टाइम, सबसे लंबा टाइम है। इसलिए वहां पर कहते हैं कि कुंज लीला है, दूसरा है एक झूलन लीला। इसलिए जब राधा कुंड श्याम कुंड में जाओगे ना, कृष्ण कुंड का तरफ में एक घाट है जिसका नाम झूला घाट।
खुला कर पड़ा। बोले एक समय श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखे जिस ग्रंथ का नाम था चाटू पुष्पांजलि। इस चाटू पुष्पांजलि में उन्होंने राधा रानी की श्रृंगार, राधा रानी का रूप को उन्होंने वर्णना किया। जो वर्णना किया रूप गोस्वामी, बड़ा सुंदर ग्रंथ वर्णना करके जो बड़े भैया श्री सनातन गोस्वामी को दिया। बोले भैया देखो ये ग्रंथ मैंने बनाया कैसे हुआ है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पढ़ा, पढ़ करके बोले वाह कितना सुंदर राधा रानी का तूने वर्णना किया श्रृंगार का। बोले देखो रूप सब चीज तो मेरे पसंद में आया लेकिन एक चीज मेरे पसंद में नहीं आया। बोले कौन सा। बोले तुमने राधा रानी की जो चोटी को तुमने वर्णना की है वो चोटी को तुमने बोल दिया बेणी प्याला अंगिनी प्रणाम। मतलब राधा रानी का चोटी कैसे है। बोले काल नागनी सांप जैसे, काल नागनी सांप जैसे वर्णना किया है। अरे कहां राधा रानी प्रेम स्वरूपिणी रमेश्वरी कमेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी है श्री राधे के नमस्ते। कहां राधा रानी सारे गुण का खान है और तुमने और कोई उपमा नहीं मिला। और राधा रानी का चोटी को क्या बोल दिया प्याला प्यालांगिनी प्रणाम है काला नागनी सांप के बराबर बोल दिया। यही जो उपमाना थोड़ी सी मेरे मन में घटका रहा। तो उन्होंने बोले इसलिए ठीक है भैया कोई चिंता मत करो मैं कोशिश करूंगा उसको मैं बदला देने के लिए, मैं कोशिश करूंगा बदलाने के लिए। इतने में सनातन गोस्वामी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे। जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाते समय रिमझिम बारिश हो रही थी। जब उन्होंने राधा कुंड पर आए ना श्याम कुंड पर आए उन्होंने क्या देखा बड़े सुंदर कदम वृक्ष है। कदम वृक्ष में बड़ा सुंदर झूला डाला हुआ और झूला को बीच में एक बड़ी सुंदर एक ईश्वरी बैठी हुई अपूर्व सुंदर और उसको आस पास में कुछ सुंदर सुंदर किशोरियां वो झूला को झुला रहे और झूला को झुला रहे। झुलाते झुलाते उन्होंने देखा क्या वो जो छोटी जो किशोरी जो बैठी हुई झूले के अंदर बीच में बैठी हुई कहते हैं जैसे बैठी हुई और राधा वो थी राधा रानी। कहते राधा रानी की कैसे कैसे है बोलिए सर से लेकर के उनकी चरण तक उनकी कैसे है। और राधा रानी उन्होंने चोटी बनाई जैसे लड़कियां चोटी बनाती है ना उन्होंने तीन चार उन्होंने चोटी बनाई और जो राधा रानी बैठी हुई कहते चोटी क्या हो रही है चोटी उनकी पीछे लटक रही है। और चोटी कैसे होता है देखा ना स्त्री का चोटी कैसे होते है चोटी जैसे ऊपर होता है मोटी और नीचे होता है छोटी है। और राधा रानी का जो चोटी एकदम काला रंग की एकदम है एकदम काला रंग की इसलिए एकदम सर्पाकृति जैसे चोटी होती है। इसलिए राधा रानी जब ऐसे ऐसे झूल रही थी वो जो चोटी है ना वो पीछे वो चोटी भी ऐसे ऐसे करके चोटी भी ले रहा था लेकिन दूर से क्या लग रहा था मानो ये राधा जी की सर के ऊपर में तीन चार काले सांप पीछे चढ़े हुए और वो काटने जा रहे हैं। उन्हें एकदम चोटी काला नागनी जैसे दूर से दिख रहा था। सनातन गोस्वामी दूर से देख करके झूला पे राधा रानी को इतने में सनातन गोस्वामी तोड़ते हुए भागे। बोले लाली लाली तुम दिख नहीं रहा है ये छोटी लड़की को पीछे तीन चार सांप चढ़े हुए काटने के लिए तुमको दिख नहीं रहा है। जब सनातन गोस्वामी वहां पर भागे बोलने के लिए इतने में वो जो बीच में जो एक छोटी किशोरी बैठी हुई थी उन्हें सनातन गोस्वामी के तरफ में देखे थोड़ी सी मीठी 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 मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए लीला में खत्म अंदर ध्यान। सनातन गोस्वामी तो अत्यंत चकित हो गए बोले ये क्या मैं क्या स्वप्न देख रहा था ना सचमुच से देख रहा था। हाँ इतने में उनको याद आया मैंने क्या देखा ओ रूप गोस्वामी ने जो चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ में राधा रानी की बेणी को जो उदाहरण दिया है बेणी प्याला गिणी प्रणाम। राधा रानी का बेणी कैसे काला नागनी के बराबर जैसे है बल्कि ये काला नागनी क्या करते काटती है ये काट देती है लेकिन राधा रानी का जो चोटी इतने सुंदर है ना श्याम सुंदर को भी काट जाती है और श्याम सुंदर भी राधा रानी का प्रेम में बेहोश हो जाती है। देखना दुनिया में लड़कियों को एक जितना सुंदर से सुंदरी लड़की हो उसका सिर उसको बाल मुड़वा दो उसको केट केस मुड़वा दो उसको दुनिया में कोई पूछेगा उत्तर में देखेगा जितने बड़ी सुंदरी हीरोइन क्यों नहीं। देखना अक्सर करके लड़कियां ज्यादा श्रृंगार
किसमें? ये बाल में। उनका ज्यादा आकर्षण बाल में, जितना शैम्पू इधर उधर का लगा करके और दूसरों का आकर्षण करना चाहते। साधारण लड़की का राधा रानी का कितना सुंदर नहीं होगा, इसलिए राधा रानी क्या करती है, क्यों उसको साथ में काला नागिनी को साथ में उदाहरण दिया, जैसे काला नागिनी डांटती है काटती है, राधा रानी का केस इतने सुंदर है श्याम सुंदर का भी डांस देती है। इतने में सनातन गोस्वामी समझ गए, रूप गोस्वामी ने जो वर्णना किया है उसमें मेरे को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए राधा रानी मेरे को डायरेक्ट दर्शन दिला दिया। राधा रानी मेरे को डायरेक्ट उन्होंने दर्शन दिलाया। फिर उन्होंने आए आकर के श्री रूप गोस्वामी बोले, रूप तुमने जो लिखा है ना चाटो पुष्पांजलि में सही लिखा है, उसको बदलाने का कोई जरूरत नहीं, जैसे तुमने रखा वैसे ही तुम उसको रख लो है। इसलिए इसमें श्री झूला लीला की वर्णना करते हैं, और कहते जो जो झूला लीला है अभी अभी श्रवण कर रहे थे, ये झूला लीला की विशेष महत्व क्या है, ये झूला लीला की क्या विशेष महत्व है? कहते इसका विशेष महत्व है, जब राधा कुंड श्याम कुंड में राधा कृष्ण ये झूला झूलते हैं, कहते झूला झूलते हैं वो कीर्तन में आते ना, राधे झूलण पधार झुके आए बदड़ा, कहते ये मेघ आ रहा है राधे जल्दी जल्दी आओ झूला में बैठो, अगर तुम झूला में नहीं बैठोगे, अगर मान करो तो झूला में नहीं बैठोगे ना, फिर दूसरे सखी आकर बैठ जाएगी। बोले कौन? बोले चंद्रावली आकर बैठ जाएगी है, इसलिए जल्दी जल्दी आओ। और आकर क्या करो, बोले पहले पंच रंग साड़ी ओढ़ो श्याम चदरा, राधा रानी श्रृंगार क्या कर, कपड़ा की कौन सा कपड़ा है, बोले पंच रंग साड़ी, पांच तरह कलर का साड़ी, और कौन सा कपड़े से अपना शरीर को ओढ़ती है, बोले श्याम चदरा, मतलब क्या है, कृष्ण श्याम रंग के, इसलिए राधा रानी जो श्रृंगार करती है, इसलिए राधा जी का एक नाम है श्यामा, क्यों श्याम कृष्ण रंग में राधा रानी रंगी हुई, इसलिए सब जगह में देखोगे राधा रानी सफेद है, लेकिन एक जगह में देखोगे राधा रानी काली है, कहां पर बताओ तो छोटा गोपीनाथ में जाकर के देखोगे ना, राधा रानी हर जगह में राधा रानी है सफेद रंग के हैं, है लेकिन केवल वहां पर देखोगे राधा रानी काली, बोले क्यों, कृष्ण चिंतन करते करते उन्होंने कहा, इसलिए हे राधे तुम कृष्ण रूपी प्रेम में रंगते हुए क्या करो, आओ और झूला में तुम बैठो, और झूला में बैठे करके, क्योंकि सखियों का काम क्या है, इनका काम क्या है, बोले जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करे लली ताली सखी, इनका काम है राधा कृष्ण को कैसे हम जुगल का मिलन कराए, लेकिन जब राधा कृष्ण का जुगल मिलन कराते हैं कहते झूला लीला में क्या होता है, झूला लीला में क्या होता है, कभी कभी इतने जोर से सखियां झुलाती है, बोले क्यों कृष्ण सखियां इतना जोर से झुलाती है, बोले इतने जोर से झूला है राधा रानी डर के मारे क्या करे श्याम सुंदर को पकड़ ले, हैं श्याम सुंदर को पकड़ ले, इसलिए जिस समय जोर से झुलाती इतने में राधा रानी वो भजन में कहते अंग पंग, मतलब संपूर्ण कृष्ण को उन्होंने आलिंगन कर देती है, डर के मारे गिर नहीं जाए, जब आलिंगन कर देती है उसी समय में सखिया मंजरिया दर्शन करते हुए बड़े प्रसन्न होते, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं स्पर्शति यदि मुकुंदम राधिन राधिकाम तद सखीनाम है, जब श्री श्याम सुंदर राधा रानी को सखियों को उन्होंने आलिंगन करते हैं, लेकिन श्वेत कंप असुर कहाँ प्रकट होता है, कहते मंजरियों को अंदर में आलिंगन करते हैं राधा रानी को बाकी सखियों को, लेकिन श्वेत कंप असुर किसको ऊपर में होता है, मतलब मंजरी इनके ऊपर में सारे चिन्ह इनके ऊपर, क्योंकि राधा कृष्ण का मिलन ही इनका जीवन का सर्वस्व है, राधा कृष्ण का मिलन, और राधा कृष्ण को जो आनंद मिलता है कभी ये सखी और मंजरी को वहां से करोड़ गुण ज्यादा आनंद मिलता है, करोड़ गुण, इसलिए झूला लीला में क्या होता है राधा कृष्ण का मिलन होता है। और दूसरा क्या चीज होती है, कहते जो राधा रानी का जो चरण का जो दर्शन है ना, राधा रानी का चरण इतना आसानी वस्तु नहीं है, इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं राधा रानी की चरण कैसे हैं, बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदार बिंदम श्रीमात पराग परमाद्भुत वैभ भाया, इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ये झूला लीला में क्या विशेषत्व है, है वर्णना करते दो तरह का झूला होता है, जैसे दो झूला है ना, दो झूला में कभी कभी राधा रानी है
कहते राधा रानी कभी इधर मुंह करके बैठते हैं और श्याम सुंदर इधर मुंह करके बैठते हैं, कृष्ण इधर राधा रानी इधर, और दोनों झूला जब झूलता है ना, जब राधा रानी उधर जाती है कृष्ण इधर आते हैं, लेकिन वहां से जब राधा रानी जब ऐसे आती है श्याम सुंदर जब ऐसे जाते हैं, उस समय क्या होता है राधा जी का चरण पूरा ऐसे हो जाता है, हो जाने पर राधा रानी का जो चरण है, कहते राधा रानी के चरण में उन्हें से चिन्ह है, कहते कृष्ण का वाम चरण में जो चिन्ह राधा जी की डाण चरण में, राधा जी की डाण चरण में चिन्ह जो श्याम सुंदर की वाम चरण में वो चिन्ह है। उसी समय में राधा जी का जो चरण की जो दर्शन और राधा रानी चरण में जो चिन्हों का जो दर्शन है, ये श्याम सुंदर को होता है। इसलिए यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं राधा रानी के चरण कैसे हैं, इसलिए एक हिंदी में एक प्यार है, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, बोले केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, बोले गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जाने तो नहीं हम क्या श्री वृंदावन आसी। इसलिए कहते राधा रानी की, इसलिए कहते राधे झूलन पधारो झुके आए बदरा, उसमें भजने में क्या, जहां पग धरे, जहां राधा रानी अपना चरण को रखती है, श्याम सुंदर का नजर कहां पर है, श्याम सुंदर का नजर कहां पर, जहां श्री राधा रानी चरण रखती है और चरण के ऊपर में राधा रानी कृष्ण का नजर है, और राधा रानी जब चरण उठाती है और चरण का जो छाप है ये वृंदावन धाम में राधा जी के चरण की छाप पड़ती है, श्याम सुंदर राधा जी के चरण को दर्शन करते हुए उनका हृदय प्रेम में गदगद हो जाता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदा वनम तद अटव्यम असंभाष तद भाव गंभीरचिता उतः श्याम सिंधु रस श्यावगाम। अगर कोई कृष्ण प्रेम रस समुद्र में गोता लगाना चाहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, भैया इतना आसानी नहीं, कृष्ण रस समुद्र में गोता लगाओगे, स्नान करोगे इतना आसानी नहीं, गोता लगाने के लिए क्या करो, पहले तीन चीज को अपनाओ, फिर जाकर के कृष्ण भक्ति तुम्हें मिल सकता, कृष्ण जैसे टेढ़े है ना, भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खीर है, उनका भक्ति भी ये टेढ़ी खीर है। इसलिए अगर पाना चाहते हो पहले तीन चीज को अपना, क्या, बोलो अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु, सबसे पहले राधा रानी की चरण धूलि को वंदना करो, बोले दूसरा चीज क्या, बोले राधा रानी के चरण को तरह अंकित जो वृंदावन धाम है ये वृंदावन धाम का आश्रय करो, और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है कहते राधा जी की प्रेम रस में जो भक्त डूबे हुए हैं, संत डूबे हुए हैं, कहते उनकी है जो डूबे हुए, कहते उनकी ऐसे साधु का चरण को आश्रय किए बगैर भैया इतने आसानी नहीं कृष्ण मिल सकते हैं। इसलिए राधा जी की चरण की कृपा से ही श्री श्याम सुंदर मिलेंगे। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती यहाँ पर कह रहे हैं राधा जी के चरण कैसे हैं, बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुर्लभ पदारविंदम, बोले जिनका चरण ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, बरसाना में ये ब्रह्माचल पर्वत बन करके उनने तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्माचल पर्वत क्या है, स्वयं ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए नारद जी ब्रह्मा जी को पूछे, बोले पिताजी अब क्यों ये पत्थर बन करके ब्रज क्यों तपस्या कर रहे हो, राधा जी की चरण को कृपा पाने के लिए, राधा जी की 60,000 मैंने तपस्या की, केवल राधा जी की कृपा पाने के लिए मैं पत्थर बनकर तपस्या कर रहा हूँ, और शंकर जी हैं, शंकर जी गोपीश्वर बनकर के तपस्या कर रहे हैं, और श्री नंदीश्वर पदर पर्वत रूप में हैं, कहते नारद जी नारद कुंड में तपस्या कर रहे हैं, इसलिए कहते और उद्धव जी उद्धव कुंड में गिरिराज तलेटी में आश्रय लेकर घास बन करके, कहते बंदे नंद ब्रज स्त्रीना पाद रेणु अभिस्नक्ष जासाम हरि कत गीत तुनादि भवन त्रयम, क्या करते हैं यहाँ पर उद्धव जी, राधा जी के चरण की एक धूल में वंदना करता हूँ, यहाँ पर घास भूसा बन जाओ, राधा रानी जब चलेगी अगर उनका चरण मेरे सर पर गिर गया मेरा उद्धार हो जाएगा, लता बता बन जाओ तो राधा रानी जब कुंज कुंज में लीला करेगी दर्शन करके जीवन धन्य बन जाएगा,
अगर कभी मैं अवसर भिक्षा बन गया, कभी अगर राधा जी ब्रज गोपियों का अगर बुखार हुआ तो दवा रूप में ग्रहण करेंगे तो उनका हृदय में जाऊंगा है। इसलिए कहते हैं राधा जी की जो चरण है कहते ब्रह्मा विष्णु की छोड़ दो, मतलब राधा जी के चरण की इतने दुर्लभता है, कहते ब्रह्मेश्वरादि मतलब आदि ईश्वर कौन, बोले स्वयं जगन्नाथ जी कृष्ण, बोले इन्हीं के लिए भी कभी कभी राधा जी के चरण दुर्लभ हो जाता है, राधा जी के चरण के लिए भी दुर्लभ उनको भी नहीं मिलता है। इसलिए राधा रानी की जब मान कर लेती ना दुर्जय मान है, कभी जयदेव जब लिख रहे थे गीति गोविंद कुंद ने क्या देखा कैसे राधा रानी मान की हुई और जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण क्या कर बोले हे राधे आज क्यों इतना मान की छोड़ दे, तुम्हारे चरण में मैं अपना बंसुरी को रख लेती, बंसी को बोले बंसी क्यों रखते हैं बोले इसी बंसी की ध्वनि को तरह विश्व ब्रह्मांड में मुक्त करता हूँ, बंसुरी सब कुछ है। इसलिए उसका जो करामत है तेरे चरण में, फिर लास्ट में मयूर मुकुट रख लेते हैं, बोले मयूर मुकुट क्यों रखते हैं बोले कृष्ण का नाम नटवर, क्या नाम है नटवर, क्यों मयूर का जो नृत्य सबसे सुंदर नृत्य है, है? इसलिए सबसे इसलिए कृष्ण इसलिए मयूर मुख रखते हैं, मैं सबसे सुंदर नृत्य करने वाले कृष्ण के उसकी कला भी तेरे चरण में। लास्ट में कहते हैं अपना नाम भी राधा जी के चरण में लिख देते, मेरे नाम भी तेरे चरण में है, तब भी कृष्ण राधा रानी जब नहीं मानती है, श्याम सुंदर कहते हैं राधे तुम्हारी चरण तो बड़ी उदार है बड़ी कोमल है, आज इतने क्यों तुमने दुर्जय मान की, मैं अपना सर तुम्हारे चरण में झुका देता हूँ, और जिसको देख कर किसी का भी जयदेव लिख नहीं सके, मैं कैसे लिखूं ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार चितव जिनकी चरण कमल सारे देवा देवी जिनको तपस्या करते हैं, कहते आज ये स्वयं कैसे उनकी शक्ति को चरण में कैसे सर को झुका दे, उनका हाथ कांप उठे लिख नहीं सके तो पेन रख लिए, अपना पत्नी पद्मा को बोले मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण स्वयं उनका रूप धारण करके आए, बोले पद्मा मेरी एक पद याद आ गया भूल नहीं जाऊं काफी को दो, कृष्ण स्वयं तही पद पल्लव मुदारम सोने की अक्षर में कृष्ण स्वयं लिख कर गए। थोड़ी देर बाद में जब सही आ गए कौन जयदेव पत्नी प्रश्न कर रहे अब इतने जल्दी कैसे आ गए, बोले क्यों मैं तभी से गया अभी आ रहा, बोले नहीं बीच में आप आए थे, बोले एक पद याद आ गया भूल नहीं जाऊं काफी तो लिख दो लिख देता हूँ, बोले लाओ काफी को, देखा जो पद को लिख नहीं सके ना कृष्ण स्वयं आकर के लिख कर गए, पद्मा की चरण में गिरी पड़े, बोले तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, वे और कोई नहीं वो छलिया श्री कृष्ण है, छलिया श्री कृष्ण मेरे को ठग करके चले गए कृष्ण है। इसलिए कहते राधा जी की जो चरण है कभी कभी कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है, कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है राधा जी की, इसलिए कहते झूला लीला में क्या होता है ऐसे जो राधा जी की चरण है, राधा रानी जब ऐसे आती है झूला में, श्याम सुंदर जब ऐसे आते हैं राधा जी की चरण की दर्शन मिलता है, कृष्ण राधा जी की चरणों को दर्शन करते हुए अपना जीवन को धन्य धन्य बना देते हैं, आज मेरे जीवन धन्य हो गया क्योंकि किशोर जी के चरण में दर्शन मिला। इसलिए जो झूला लीला है राधा कृष्ण की दिव्य लीला है, और इसी महीना में ही ये झूला लीला होता है, कहते बरसाना में सखियां बड़ी सुंदर वहां पर झूला बनाते हैं, और श्याम सुंदर वहां पर अलग अलग रूप धारण करते हुए जाते हैं और राधा जी को साथ में बैठते हैं एक झूला में, और गोपियां क्या करती हैं राधा कृष्ण को इसी महीना में ही झूला झूलाते हैं। इसलिए आज राधा कृष्ण की ये झूला लीला है, लेकिन ये लीला साधारण लीला नहीं, इसमें किसका प्रवेश है शांत दास सख्य रस है बात्सल रस है, इसमें प्रवेश नहीं, इसी रस में तो केवल श्रृंगार रस के जो भक्त है मधुर रस के उनका ही इसमें प्रवेश है। इसलिए आज हम सबको ऊपर में गुरु वर्ग आशीर्वाद करे, कभी ना कभी जैसे है गुरु वर्ग के अनुगत्य में हम इसी लीला रस में प्रवेश कर सके और उसका आस्वादन कर सके, और इसी लीला के अंतर्गत में श्री रूप गोस्वामी का कल भी तिरुभाव तिथि है, कल भी श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, इसलिए हमारे वृंदावन मठ में गुरुदेव भी मंदिर का नाम श्री रूप सनातन गुरुदेव ने नाम रखी, और ने झूला महोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए वहाँ 5 दिन हमारे है वार्षिक उत्सव 5 दिन क्या इस समय भी वहाँ चलता है, क्या झूला सुन
मेला उत्सव वहां पर रुक्षनाथन में करके फिर हम लोग जाते थे। कहाँ पर? गोपीनाथ मठ में जाते थे, वहां पर ठाकुर जी को झूला झुलाए करते थे। कल सवेरे रूप गोस्वामी की समाधि में जाते थे, पूजा करते थे रूप गोस्वामी कथा 3 दिन तक। क्या अद्भुत सभा है! मुझे लगता है दुनिया में कहीं इतने बढ़िया सभा नहीं होगी कहीं, मुझे लगता है, क्योंकि एक टॉपिक ऊपर में, एक विषय ऊपर में अलग अलग दृष्टिकोण से भक्त लोग ने उनके चरण में पुष्पांजलि देते थे, अलग अलग रूप में, अद्भुत रूप में। गुरुदेव रहते समय उसको कटड़ में ही व्यवस्था करता था, जितने पंडित लोगों को बुलाना फुलाना में करता था। लेकिन गुरुदेव का जो भावना थी, यही भावना थी दूसरे संप्रदाय का लोग भी आए, और आने पर क्या होगा, हमारे संप्रदाय का जो गौरव है, श्री रूप गोस्वामी का जो देन है, क्या रूप गोस्वामी का देन है, रूप गोस्वामी क्या देकर गए, हमारे संप्रदाय का क्या महत्व दूसरे लोगों को पता चले, गुरुदेव का ही भावना था। इसलिए गुरुदेव ने बड़े बड़े वृंदावन के बड़े बड़े जिन जिनका विद्वान का नाम को उनको बुलाया करते थे। जितने भी वो लोग सही सही बोल नहीं पाते थे, सही सही तभी गुरुदेव बोलते थे, तभी उनको पता चले हमारे संप्रदाय का क्या है। कभी विषय अंतर्गत बोलते थे, बाहर बोलते थे, क्योंकि जब तक इनका ग्रंथ को कोई अध्ययन नहीं करे ना, इनको बोल नहीं सकते, इनको बोलने के लिए इनका ग्रंथ में प्रवेश होनी चाहिए। इसलिए लेकिन अभी धीरे 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 हम देखा ये लोग सबके सब विषय से बाहर बोलते हैं। अभी हमने सब अक्सर करके नाम है हमारे गौड़ी वैष्णव का नाम गुरु जी का शिष्य लोग देते हैं, ये लोग एकदम सही परफेक्ट एकदम रूप गोस्वामी की जो ग्लोरिफिकेशन है, इनका जो महिमा को एकदम सही सही बोलते हैं, और एक विषय के ऊपर में। और जो दूसरे दूसरे मठ से कुछ भक्त लोग जब आकर सुनते हैं ना, पिछली बार मथुरा से है वो जो बसंतलाल आए, उनके साथ में एक और, ये सब सुन करके हमारे मंदिर में ब्रह्मचारियों का विद्वता को देख करके, और एक एक सब्जेक्ट पर इतना प्रोजेक्ट करता है, हमने बोले इतने सुंदर सभा, इतने सुंदर उनके गुणगान है, इतने सुंदर। इसलिए और एक भागवत महाराज चैतन्य मठ से आए, वो तो इतने खुश हो गए, लास्ट दिन में आए थे, हमारे ब्रह्मचारी लोग जो बोले है ना इसको सुन करके वो इतने खुश हो गए, मतलब हर साल में 3 दिन के लिए आऊंगा बोल कर गए, मैं अपना भक्तों को साथ में लेकर 3 दिन के लिए मैं आऊंगा यहाँ पर, और इस सभा में मैं अटेंड करूंगा। इसलिए इतना सुंदर रूप गोस्वामी की महिमा अलग अलग दृष्टिकोण से, मतलब रूप गोस्वामी का जो ग्रंथ है, कितना ग्रंथ उन्होंने बनाया है, लाख श्लोक कई ला उन्होंने, क्या ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ बनाए। इसलिए देखो हम लोग तो करते थे, कहाँ पर करते थे, वृंदावन में करते थे हम, अभी यहीं पर कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत उनकी गुण महिमा को चर्चा करने के लिए, हम लोग कोशिश करना थोड़ी थोड़ी पढ़ने के लिए उनका ग्रंथ को, थोड़ी थोड़ी पढ़ने के लिए, ठीक है। हमारे श्री तमाम कृष्ण प्रभु जी, श्री वृंदावन चंद्र जी, अनुभव महाराज, और क्या श्यामानंद महाराज, और श्रीकांत महाराज जी, और कौन कौन सब महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, कोशिश करना तुम लोग भी कोशिश करना, उनको उपदेशामृत ग्रंथ है, उनका बहुत ग्रंथ ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु तो अच्छा है, वहां से एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब सब बोलोगे ना क्या बोलेंगे, उनका भक्ति रसामृत सिंधु से जो अलग अलग लहरी, कोई एक लहरी को पढ़ो है उनका, कोई लहरी उनका जो पद्यावली जो ग्रंथ है, स्तवावली ग्रंथ क्या उन्होंने लिखे, क्या लिखे महाराज जी, आप भी थोड़ा पढ़ कर जाना, केवल केवल सब्जेक्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए, यदि हो सके तुम लोग कोशिश करना है, कोई भी ग्रंथ को इन लोग पास में जाना, क्या हम बोले कोशिश करना, सबके सब बलराम प्रभु कोशिश करना, ब्रजकिशोर सबके सब कोशिश करना पढ़ने के लिए, अगर नहीं मिलेगा तो महाराज के पास में चले जाना, क्या बोलेंगे कभी मेरे पास में आ जाना, हम बोल देंगे इसी इसी विषय पर कोशिश करना, इसी इसी विषय पर इतना उसे जैसे कोशिश करेंगे, कल गुणा महिमा करने के लिए कल भी करेंगे, और कल सवेरे भी होएगा और शाम को भी हम कथा करेंगे, और परसों जैसे महाराज गीता कर रहे थे गीता पढ़े, लेकिन शाम को हम भी कोशिश करेंगे जितना दूर हो सके हम लोग कोशिश करना पढ़ने के लिए उनका ग्रंथ को, क्योंकि उनका जो महिमा हमारे संप्रदाय का यही महत्व है, ग्रंथ ही हमारे संप्रदाय का यही महत्व है, उन्हें इतना ग्रंथ रचना कर गए कष्ट करके, लेकिन हम कम से कम पढ़े तो हमें तो पता चले हमारे गुरुवर्गों का क्या देन है, क्या देन, ठीक है।
आप लोग कोशिश करना जितना दूर हो सके उनका ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए कोशिश करना। गोपाल अगर हो सके तो कोशिश करना, गोपाल तुम भी पढ़ने के लिए है कोशिश करो। हमारे गुरु वर्ग का जो देन है, देखो जब कोशिश करोगे ना तुम स्वयं देख लेना, तुम्हारा जो दिमाग मन का काम होता है कुछ ना कुछ सोचना, मन का ही काम। लेकिन जो सोचोगे हम किसी विषय पर हम बोलेंगे क्या होगा, तुम्हारी जो मन है एक विषय पर लगेगा। हम क्या बोलेंगे, हम जरूर कुछ बोलेंगे है, उनका ग्रंथ हम ढूंढेंगे। उपदेशामृत से एक श्लोक को बोलो, एक श्लोक उनका टीका को लेकर बोलो ना। पिछली बार हमारे श्री परमेश्वर ब्रज केवल एक श्लोक बाज बेगम मन से क्रोध बेगम, इसमें क्या फर्क है, क्या तीन चीज क्या है, तीन चीज केवल एक श्लोक पर उन्होंने बोले उत्साह निस्साह उसको जो टीका को साथ कोई एक श्लोक बोल दो, एक श्लोक टीका को बोल। इसलिए उनका तो ग्रंथ एकदम भंडारा ग्रंथ है, उज्ज्वल निर्माण भक्ति रसामृत सिंधु और लघु भागवतामृत ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है। महाप्रभु को गोस्वामी को जो सिखा दिया सुख सिखा बहुत कुछ है। ठीक है, तुम लोग कोशिश करना उनको विषय पर ढूंढ करें, ढूंढने के लिए और यहाँ पर जितना दूर हो सकेंगे हम कोशिश करेंगे आपस आपस में है। और वृंदावन में हम क्या होता था देखो, रूप गोस्वामी का तिथि होता शाम को होता था, सवेरे होता था, दोपहर शाम को तिथि होता था। फिर क्या होता दूसरे जो दिन है दूसरे दिन फिर मैं बैठता था सवेरे बैठ करके, हमारे जितने ब्रह्मचारी लोग थे सबको खड़े करते थे, बहुत अच्छे बोलते थे पूरा दिन भर। रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी सारा दिन रूप गोस्वामी रूप 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 गोस्वामी केवल दिन भर चर्चा होते हैं। इसलिए अब इस बार तो करुणा ज्यादा करुणा कर दिया उनका जो है वहां पर जो होता था, और महाराज लोग भी सब वहां जाते थे है रूप गोस्वामी तिथि पालन करने के लिए पूरी से जाते थे। कोशिश करें यहीं पर जितना दूर हो सके उनकी गुण महिमा को गान करने के लिए। ठीक है, बोले श्री रूप गोस्वामी की, बोले श्री राधा कृष्ण ने झुलन यात्रा महोत्सव की। और जो गौरव जो लास्ट का जो पूर्णिमा का दिन है श्री बलदेव पूर्णिमा है, इसलिए तुम लोग भी कोशिश करना बलदेव पूर्णिमा को विषय में पढ़ने के लिए कोशिश करो। इतना दिन हम लोग थोड़ी सी इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और सवेरे जैसे गीता पढ़ तो गीता पढ़ते रहना, नहीं तो देख लेना जैसे हो। हाँ क्योंकि गीता गीता पढ़ लेना और दिन भर दूसरे 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 का समझ जाना। ठीक है, बोला हरे कृष्ण हरे ठाकुर ने भोग लगाओ, ठाकुर नहीं जाओ ध्यान कीर्तन कर ठाकुर बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 H